एक बार समझा देता हूं आप लोगों को, कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं, ध्यान से देखना मेरे शेरो। एक टोकरी में पांच सेब हैं, छह संतरे हैं, चार नींबू हैं, ठीक है। अगर टोकरी में तीन फलों को बेतरतीब तरीके से, मतलब टोकरी में से रेंडमली तीन फल निकाले गए, तो पैक तक क्या होगी अगर उसमें से दो संतरे हों और एक नींबू हो, है ना। तो इसमें हम लगाएंगे परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन। बेतरतीब का इंग्लिश मैंने बता दिया, रैंडमली, रैंडमली मतलब बिना देखे निकाले हैं, है ना, कुछ भी, ठीक है। हाँ, तो अब जरा गौर से मेरी बात को सुनेंगे दोस्तों, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। देखिए, टोटल कितने संतरे हैं, कितने फल हैं, छह चार दस पाँच 15, टोटल देखो 15 फल हैं, 15 में से टोटल कितने निकाले गए, तीन, तो 15C3, लेकिन दो संतरे होने चाहिए, तो छह में से दो संतरे निकाल लो, इनटू एक नींबू होना चाहिए तो चार में से एक नींबू निकाल लो। बस एक फॉर्मूला मैं आपको बता देता हूँ, एनसीआर का फॉर्मूला होता है फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये ठीक है। अब जरा ध्यान दीजिएगा, आज आज कॉपरेट कर लो, आज आज हिंदी में पढ़ लो, कोई बात नहीं, फिर से मैं दोनों स्टेटमेंट ले आऊंगा, हिंदी के लिए दोनों की। ये छह फैक्टोरियल सिक्स, फैक्टोरियल सिक्स, ये फैक्टोरियल टू फैक्टोरियल फोर, इंटू फैक्टोरियल फोर फैक्टोरियल वन और फैक्टोरियल थ्री, डिवाइडेड बाय ये 15 फैक्टोरियल और बटे में तीन फैक्टोरियल इंटू में 12 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल की मीनिंग आपको आती ही है, पता ही है, जैसे मान लो पांच फैक्टोरियल लिखा हुआ है, तो पांच चार तीन दो एक, तो 120 हो जाएगी वैल्यू। तो मतलब आज मैं आपको एक इंट्रोडक्शन देने आया हूँ कि भाई इस तरह का पेपर यूपीएसआई का आता है, ठीक है, इसको सॉल्व कर लेना आप, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपका आंसर 12/91 आ जाएगा, बहुत आसान है इसको सॉल्व करना, कोई दिक्कत नहीं है। सबको क्लियर है यहाँ तक, तो लिखें यस सर, यस।